तो क्या क्या आपके ऐसा जीवन में बताते सही हैं? चल रहा सही चल रहा? हाँ बढ़िया बता हमें अच्छी लगे कथा। अच्छा हाँ हम लगता है सुन मानसिक शांति मिलती है, बहुत अच्छा अच्छी मानसिक शांति मिलती है। सबसे बढ़िया मानसिक शांति, दुख तो सबके आते हैं। हाँ। इस प्रकार से भाई रात में ही भजन स्टार्ट हो जाती है। कल कथा है भाई, और आज आंटियों को देखिए सब अपने अपनी भाषाओं में भाई, ठीक है? सीहोर से आई, महाकाल में आई। अगर महाकाल सीहोर और महाकाल एक ही है, मेरी अंगूठी मुझे वापस मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे घुमाती थी, एक बार पत्थर आए, दूसरी बार अंगूठी आ गई। अरे तो वापस भी मुझे पानी में गिरने के बाद अंगूठी। तो यहाँ पे एक चीज अच्छा लगी, यहाँ पे चार्जिंग व्यवस्था देखिए दोस्तों, क्या मस्त दी है दोस्तों चार्जिंग व्यवस्था, है ना? और मथुरा कोसी कला में, ठीक है? और भाई यहीं से कल से महाराज जी का जो कथा है वो प्रारंभ होने वाली है दोस्तों। और भाई अभी से लोग आ रहे हैं, तो चलिए भाई अंदर में बने रहिएगा, ब्लॉग में दिखाते हैं अभी आप लोग को कहाँ से। भाई मस्त श्री जी निकुंज आयुषपुर कोसी कला यहीं पर जो है कथा स्थल है, ठीक है? जो कि भाई रेलवे स्टेशन से केवल केवल 1.5 किलोमीटर आगे हैं, और यहीं से घुसेंगे भाई। चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कथा पंडाल तक। तो कथा कल से होनी है, और आज से भाई देख सकते हो हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अभी कथा पंडाल में जाने पर पता चलेगा दोस्तों कितने सारे लोग आए हैं। दोस्तों यहां पे मिल रही है रोटी और सब्जी, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए बढ़िया खा रहे हैं अभी श्रद्धालुगण जो दूर दराज से आए हुए हैं और आस पास से भी आए हैं। दोस्तों लाखों श्रद्धालु वो बैठ के बढ़िया खा रहे हैं। और दोस्तों हम लोग खा चुके हैं भाई, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी पंडाल की ओर लेके चलते हैं आप लोग को, और दिखाते हैं भाई कितने सारे श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो चलिए भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगी कि यहाँ पे चार्जिंग व्यवस्था देखिए दोस्तों, क्या मस्त दी है दोस्तों चार्जिंग व्यवस्था, है ना? और बहुत दूर दूर से आए हैं ये लोग, चार्जिंग कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छा है भाई ने, है ना? सजावट देखिए भाई, बहुत अच्छा दी है भाई सजावट यहाँ का। दिवाली तो यहीं मनाएंगे भाई इस साल दोस्तों। ये है पंडाल, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी ही पंडाल दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों व्यवस्था को भी बताएंगे आप लोग को, व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त दी गई है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों पंडाल के अंदर घुसते हैं, और भाई बोर्डिंग देख सकते हो अभी से स्टार्ट हो चुकी है, और ब्यास पीठ को भी दिखाएंगे दोस्तों। तो ब्लॉग पे बने रहना, ठीक है? फिलहाल देखिए बहुत सारे लाखों श्रद्धालु पहुँच गए दोस्तों यहाँ पर, और भाई आगे तो पूरा फुल हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो, है ना? ये देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ये है व्यासपीठ देख सकते हो, बहुत ही अभी सज रही है पूरा व्यासपीठ, और दादा लोग देख सकते हो आके बढ़िया आराम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से आए दादा आप लोग? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। पांचवा वो है हमारा जो, अच्छा पांचवा कथा पढ़ने बैठ रहे हो? हाँ पढ़ रहा। अच्छा कैसा लगता है महाराज कथा? बहुत बढ़िया महाराज, मतलब भगवान के शरणों में ले आए महाराज। अच्छा ऐसा लगता है? मानसिक शांति मिलती है। अच्छा। बहुत अच्छी मानसिक शांति मिलती है। सबसे बढ़िया मानसिक शांति, दुख तो सबके आते हैं, काटना तो पड़ेगा ही सबको, लेकिन दुखों से घबराने की शक्ति मिलती है। अच्छा तो सुन सकते दोस्तों इस प्रकार से। हाँ अकोला से? महाराष्ट्र अकोला से। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा महाराज कथा घर में सुनते हो? सुनते हो? अच्छा आनंद ही आनंद। खाना खा लिया? खाना खा। तो भाई आराम कर रहे हैं, कल से महाराज जी की कथा प्रारंभ होने वाली है। और हमारे दादाओं को देखिए, कल से आके बैठे भाई 4-5 दिन से। और ये है व्यासपीठ भाई साहब देख सकते हो। किस प्रकार से भाई आप लोग देख सकते हो। कहाँ से आए हो आंटी आप? अलीगढ़ से। अच्छा कब से आए हो यहाँ? परसों से आए हो? 31 तारीख से आ गए हो? अच्छा अच्छा अच्छा। खाना वाना का व्यवस्था था उस दिन? बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्था बढ़िया। हाँ अच्छे हैं, बोली चाली सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा, आदत व्यवहार बढ़िया करते हैं? बढ़िया, अच्छा बोले बढ़िया, खानो पीनो बढ़िया मिले। अच्छा महाराज जी की कथा सुनते हो आप? हाँ। कितना साल हो गया सुनते हुए आपको? एक साल हो गया। कैसा लगता है महाराज कथा? अच्छी लगे। अच्छा जो महाराज जी उपाय बताते हैं वो करते हो? तो क्या क्या आपके ऐसा जीवन में बताते हैं? सही चल रहा? हाँ बढ़िया बता, हमें अच्छी लगे कथा। अच्छा हाँ, हम यहाँ कोई नहीं थे, हम दो। अच्छा जब महाराज जी कथा नहीं सुनते थे
तो मंदिर जाते थे? ना कोई नहीं जाता था इतने मंदिर। हाँ महाराज जी की कथा सुनने लगे तो मंदिर डेली जाना, डेली जा रहे जल सारी समस्त सका हल। इस बार से हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से भाई पूरे भारत भर में महादेव की जागरण हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। और बच्चे से लेकर भाई पूरा बूढ़े तक एक लोटा जल लेकर जा रहे हैं मंदिर में। जिस प्रकार से शिव आस्था के प्रति आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बड़ी दूर दूर से आए, दूसरे प्रदेश से भी आए यहाँ ब्रज में और राधे राधे जप रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई अद्भुत शिव भक्ति देखने को मिलेगा। कहाँ से आओ बाबा आप? कहाँ से हो अंकल आप? हम तो समझ ला के समझ लीजिए। अच्छा कब से आए हो आप? हम तो समझ आए आज ना, कल कल आए हो? कल। अच्छा कब से सुन रहे हो महाराज कथा? कब से सुन रहे हो महाराज कथा? कथा हाँ कल लेकिन 2 बजे थे। नहीं कब से सुन रहे हो, कब से? हम तो अरे कल सांझ आए। हाँ कल सांझ से आए हो पता है, मतलब। हाँ। और कब से सुन रहे हो और सुनते हो कथा घर में? घर हाँ, में सुनते हो कथा? हाँ बिल्ला दिन से सुनता। कैसा लगता है महाराज कथा है? कैसा लगता है महाराज कथा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञानमान आदमी। अच्छा ज्ञानमान आदमी, बहुत दिन से सुनता। अच्छा मंदिर जाते हो आप? हाँ हाँ मंदिर जाता। तो इस प्रकार से भाई आप लोग अद्भुत शिव भक्ति देख सकते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपको अपने तो कुछ चमत्कार हुआ जो उपाय बताते हैं? चमत्कार मैं बोलूंगी। हाँ तो आप छकरे जाएंगे। अच्छा ये बताइए मेरे गुरु के आज मैं निकाल के लाई जो मैंने अंगूठी पहनी थी सोने की। अच्छा सोने की। तो मैं हालोल में पावागढ़ में गई थी, तो वहाँ में कपड़े ऐसे नीचे निकाल के दूसरे कपड़े पहनने लगी तो वहाँ अंगूठी गिर गई। वहाँ भी 3-4 लाख पब्लिक थी। अच्छा वापस आई मैं ऐसे कपड़े सुखाने गई तो देखा कि मेरी अंगूठी नहीं। मैं सीसी भाई यहाँ से पंडाल में से गई, मैं बोले मेरी अंगूठी मिल जाए। भोलेनाथ कभी तेरे पंडाल में आके घूमने हो जाते है, वो भी तेरा तो ये पराधी भी शिष्य है, मेरा अंगूठी मिल जाए तो अच्छा है। वहाँ इतनी पब्लिक नहाती धोती थी, मैं जहाँ कपड़े चेंज किया बताया देखा कि मेरा अंगूठी कहाँ है, तो मैं आगे पीछे सबको पूछा तो बोलते कैसी है। मैं बोला देखो गुमकी लग वाली है, 50 से 52 हज़ार की मेरी अंगूठी है। 52 हज़ार की? हाँ सोने की थी। हाँ, गुरु का नंग मेरा 22 हज़ार का था। अच्छा और 30-32 हज़ार की सोना आता। अच्छा 50 से 52 हज़ार की मेरी। हाँ तो मैं उधर जाके देखा तो ऐसे ही है, तो बोलते देखो ये। और ये अभी 2-15 दिन के एक चमत्कार में बताऊँ। तो आपका जो अंगूठी था 52 हज़ार का मिल गया। मैं सी शिवाय नमस्ते को माला कर दी, मैं बसती रही। मैं बोला देखो तेरे पंडाल में आके सब लोग बोलते कथा सुनेंगे तो कुछ होता नहीं, तो मेरी अंगूठी घूमने होने जानी चाहिए, तो मेरे मूल्य चाहिए। अच्छा। तो मैं अभी आप देख सकते हैं, एक मिनट भक्तों को देख लीजिए दोस्तों, भक्तों के साथ कैसा चमत्कार हो रहा है। नमस्ते बोलने से ही, माला करने से दोस्तों आंटी जी का 52 हज़ार का जो है हार जो है दोस्तों, सॉरी 52 हज़ार का पहले की बात करती हूं। मैं सीहोर गई। हाँ। सीहोर में जो कथा हो रहा था? नहीं कथा नहीं हुई थी, घूमने गए थे, मतलब दर्शन करने गए थे, दर्शन करने गए थे मेरा परिवार के साथ। उसके बाद मैं उज्जैन से वापस आई और सूर्य सीहोर से वापस उज्जैन गई। उज्जैन में मैं छिपरा नदी में नहाने बैठी, नहा के पूजा करते थे, ऐसा मैंने चावल डाला पूजा करने के लिए, तो जैसा चावल डाला ना ऐसा मेरी अंगूठी चली गई। अच्छा दोबारा वहाँ में अंगूठी चली? वही अंगूठी। हाँ वही अंगूठी। मैं बोला ये बोले ना तू क्यों ऐसा करते, बार बार मेरा अंगूठी तू निकाल करता है ये शायद भोलेनाथ आपकी परीक्षा ले रहे हैं बार बार अंगूठी गिरा कर। तो मैं तो माता भी ये सब मेरे सब फैमिली सब थी। हाँ। मेरे बच्चे लोग घूमे, मैं ऐसे उतरने लगी उतरने लगी। हाँ। मेरे बच्चे मेरी बहन मेरे घर वाले मत उतर जाने दो अंगूठी जाने। मैं बोला नहीं मैं जान मैं जाऊंगी वहाँ अंगूठी लेने के लिए, मैं इतने में ऐसा डाला है तो मैं ऐसे गई इतना तक मेरा पानी आया ऐसा बैठी तो। हाँ। मैं तो मैं ऐसे बैठी तो डूब जाती थी। अच्छा तो मैं ऐसे बैठे तो भाई इतना तक आ गया, तो भी मैं ऐसे ऐसे घुमाती थी। अरे बोले ना तेरे सा वहाँ से सीहोर से आई महाकाल में आई, अगर महाकाल सीहोर और महाकाल एक ही है, मेरा अंगूठी मुझे वापस मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे घुमाती थी, एक बार पत्थर आया दूसरी बार अंगूठी आ गई, तो वापस भी मुझे पानी में गिरने के बाद अंगूठी आपको वापस दोबारा मिल गया। वहाँ से प्रकार से भाई अद्भुत चमत्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, और लाखों श्रद्धालु भाई अभी से पधार चुके हैं, तो अब लोग देख सकते हो दोस्तों, है ना।
और आंटी जी ने बताया अद्भुत चमत्कार, तो देख ही सकते हो दोस्तों अंगूठी के बारे में किस प्रकार से भाई। और बने रहेंगे दोस्तों पूरा ब्लॉग में, और ताज़ा ताज़ा जानकारियाँ हैं वो देते रहेंगे आप लोग को। नमस्तुभ्यम। क्योंकि ये ब्यास पर देखे बहुत अच्छी लग रही है, तो चलिए दोस्तों अभी आराम करते हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार से भाई रात में ही भजन स्टार्ट हो जाती है, कल कथा है भाई। और आज ये आंटियों को देखिए सब अपनी अपनी भाषाओं में भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो भारत के हैं दोस्तों वो लोग आते हैं, ठीक है, माताएं और बहनें। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो अपन राधा रानी को लेके आए हैं, और भोले बाबा भी है साथ में। तो जय भोले बाबा, हर हर महादेव, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। और ये देखिए भाई कहाँ से आए हो आंटी? छत्तीसगढ़। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? ठीक लग रहा है। अच्छा, कब से आए हो यहाँ? हम लोग 30 तारीख को। 30 तारीख को। अच्छा, कब से सुन रहे हो कथा? तो कब से सुन रहे हो कथा? 3 तारीख। 3 तारीख से। अच्छा, और कहीं कहीं गए हो कथा सुनने के लिए? गए ना सब जगह छत्तीसगढ़ का। अच्छा, तो कैसा लगता है हमारा आज कथा? अच्छा लगता है। और इतने दिन से आए हो, कुछ परेशानियां नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कल से कथा है दोस्तों, हर हर महादेव। कल से कथा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से 2 दिन पहले आ गए हैं, और भाई पूरा ब्रज में घूम के बैठे हैं। ये हमारी माताएं, इस प्रकार से भाई अद्भुत शिव भक्ति और माताओं में हमारी मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा।